हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। दोस्तों कॉपी सोने वाले जो होम थिएटर होता है रिपेयर होने के लिए, आप चाहे होम थिएटर कोई सा भी हो, सोनी हो चाहे नॉर्मल हो, इसमें समस्या क्या है? वॉइस की जो है बिल्कुल ही लो आ रही है, जबकि यहाँ पर हमने सब कुछ चेक कर लिया है। हमारी IC ओके है, वायरिंग ओके। यहाँ पर वायरिंग देख लीजिए आप, ये देखिए वायरिंग कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। ग्रीन और ब्लू ये वॉल्यूम के हैं, आप देख सकते हो। और मैं आपको मेन वॉल्यूम पर भी दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं सेट कौन करके दिखाऊंगा आपको। देखिए पहले एक्सटर्नल स्पीकर है, ये मैंने लगा रखा है, ठीक है। और इसके अंदर बेस फिटेड है, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, देखिए ये मैंने मेन लाइन दी इसको, मैं यहाँ पे इसको ऑक्स मोड पे है ये, ठीक है। ऑक्स मोड पे कंप्लीटेड है। मैं आपको इसको वॉइस फुल करके दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम इसे रिमोट से फुल करेंगे, क्या पता कार्ड से मंदी उस वजह से आ रही, क्योंकि लेकिन हम चेक कर चुके हैं। देखिए U30 यानी कि इसमें वॉल्यूम बिल्कुल फुल है, इसमें 30 तक ही रहती है वॉल्यूम। ये देखिए इससे ऊपर नहीं जाएगी, देखिए मंदी कर दो मंदी हो जाएगी, लेकिन इससे 30 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम इतनी है। तो कार्ड की तो एकदम फुल हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे कनेक्शन भी यहाँ पर भी सब फिट है, आवाज़ यहाँ से फुल है। और यहाँ पर देखिए ऑक्स की ये भी पिने भी तारें भी सही लगी हुई हैं, व्हाइट वाला ग्राउंड लगा रखा है यहाँ पे, बाकी ये दोस्तों लेफ्ट राइट है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फ़ोन में हमने सॉन्ग प्ले किया और सॉन्ग की भी आवाज़ बिल्कुल फुल है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही धीमा साउंड आ रहा है, देखिए बहुत ही धीमा साउंड है, मतलब ना के बराबर ही आ रहा है। ये देखिए चारों स्पीकर में ना के बराबर है, जबकि यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम भी चेंज कर चुके हैं, IC भी चेंज कर चुके हैं, अपने वायरिंग भी चेंज कर चुके हैं, फिर भी धीमी आवाज़ आ रही है। और वायरिंग भी कोई गलत नहीं लगी है, RC सॉकेट भी ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे IC पे टच कर रहे हैं हाथ को तो नॉइस अच्छे से आ रही है। देखिए मतलब जैसी नॉइस आनी चाहिए वो सही आ रही है, इसका मतलब IC में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बात करें तो देखिए मेन वॉल्यूम की, देखिए मेन वॉल्यूम में आपको देखिए बिल्कुल कम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये फुल करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल फुल है, आपके सामने वॉल्यूम बिल्कुल न्यू डाला है मैंने, ये डाल रखा है आप देख सकते हो, बिल्कुल नया है, सोल्डिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल साफ़ है वॉल्यूम भी। तो दोस्तों ना तो ये वॉल्यूम का फॉल्ट है ना हमारा ये, देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ, इनपुट आउटपुट टेस्ट डायरेक्ट करके दिखा दूँ। ये देखिए वॉल्यूम टेस्ट करने के लिए कि नया है या पुराना है, देखिए इनपुट आउटपुट भी डायरेक्ट कर ली, आने वाली लाइन भी डायरेक्ट कर ली, लेकिन फिर भी दोस्तों साउंड ऐसा का ऐसी है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों? हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्स का जो सोर्स आ रहा है, ऑक्स के जो तीन तार आ रहे हैं कार्ड पर, हम वॉल्यूम पर डायरेक्ट लगा के देखेंगे। अगर इससे सॉल्व हो जाता है तो समझिए दोस्तों हमारा कार्ड ख़राब है, अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो दोस्तों आपका नया वॉल्यूम ही ख़राब है। हमने नया वॉल्यूम चेंज कर दिया, अब वॉल्यूम कंफर्म कैसे करा कि ठीक है या ख़राब है? तो दोस्तों उसके लिए हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पे तार, देखिए यहाँ पे तार भी सही लगे हुए हैं, वाइट वाला बीच वाले पे लगा हुआ है, बाकी लेफ्ट राइट दोनों पे है। तो यहाँ पे तार भी सही लगे हुए हैं कार्ड में, भाई कभी ऐसा उल्टे तार लग रहे हैं उसकी वजह से। और यहाँ पर आउटपुट भी सही है, देखिए ब्राउन अलग है, रेड और ब्लैक दोस्तों लेफ्ट राइट के हैं। तो वॉल्यूम हमने डायरेक्ट करके दिखा दिया, भाई वॉल्यूम का फॉल्ट होता तो दोस्तों डायरेक्ट करने पे चल जाता, लेकिन फिर भी आवाज़ जो हमारी वॉइस है, आवाज़ है जो भी नहीं आई। तो कार्ड पे जो ऑक्स आ रही है हम उसको यहाँ से हटाते हैं, कार्ड पे से ऑक्स के तार हटा दिए, लेफ्ट राइट ग्राउंड लगा रहने देना है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट के जो ऑक्स तार आ रहे हैं, अब हमें यहाँ जो कार्ड से जो ऑडियो मिल रही है मेन वॉल्यूम पर, तो इस पर इन्हें पिनों को हटा देते हैं, तारों को हमने हटा दिया। अब इन तारों को हम यहाँ लगा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे तारों को लगा रहा हूँ तो यहाँ पे आवाज़ पूरी तेज़ आने लगी है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं तारों को लगा रहा हूँ डायरेक्ट ऑक्स ऑक्स को जो ऑक्स जो पिन है हमारी, ऑक्स जो से जो तार आ रहे हैं, अगर मेन वॉल्यूम पे लगा रहे हैं उनके बिल्कुल फिट, आवाज़ एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। तो इसका मतलब दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है कि हमारा कार्ड की ऑडियो ख़राब हो चुकी है, यानी कार्ड में कोई डिस्टॉर्शन है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, इस वजह से ऐसी समस्या बनी। तो दोस्तों ऐसा फॉल्ट भी आ जाता है जब ऐसी समस्या बन जाती है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ चेंज कर दी लेकिन आवाज़ फिर भी स्लो है। देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़िया काम कर रहा है, ये देखिए ठीक है ना, ये देखिए, ये देखिए आवाज़ बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो दोस्तों हमारा वॉल्यूम का ही फॉल्ट नहीं था, वायरिंग का फॉल्ट नहीं था, ये हमारा कार्ड का फॉल्ट। तो इस तरह से दोस्तों टेस्ट कर सकते हो, सबसे पहले वॉल्यूम को डायरेक्ट करके देखना है, आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन यानी कि इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों हमारे कार्ड के बीच में से जो IC है ये ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से ऐसी समस्या बन गई है। तो दोस्तों ऐसा फॉल्ट भी बन जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में जरूर बता देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।